अगर आप रायबरी जिले के रहने वाले हैं तो आप ये गुड न्यूज़ सुनकर अपने ऊपर प्राउड फील करने वाले हैं, क्योंकि रायबरी जिले से गुजरेगी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। जी हाँ, दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया है। यह रेल पथ जनपद की 4 तहसीलों के 60 गाँवों से होकर निकलेगा। यहाँ के पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर जनता से परामर्श करने के लिए जल्द ही कार्यदायी संस्था के अफसर आने वाले हैं, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 865 किलोमीटर लंबे तीव्रगति रेल मार्ग को बनाने का काम गुड़गांव हरियाणा की इजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। कार्यदायी संस्था द्वारा नवंबर 2020 से अब तक जिला प्रशासन से 5 बार पत्राचार किया जा चुका है। 7 मई 2021 को इन 60 गांवों के ग्रामीणों के साथ बैठक करके पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर वार्ता भी होनी थी, लेकिन कोविड संक्रमण की दूसरी लहर आने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। जब संक्रमण का ग्राफ बहुत नीचे आ गया तो एक बार फिर से इन गांवों के किसानों से संपर्क साधा जा रहा है। इसी सप्ताह संस्था के प्रतिनिधि प्रशासनिक अफसरों से मुलाकात करके ग्रामीणों के साथ बैठक करके मीटिंग की तिथि निर्धारित करने वाले हैं। जनपद में इसके कितने स्टेशन बनेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। रायबरी जिले की 4 तहसीलों में महाराजगंज से सरोरा, चुरुआ, इसिया, नीम, टीकर, टोडरपुर, बछावा, बन्नावा, कंधावा, खैरानी, इतने गांव आने वाले हैं। इसके बाद रायबरेली सदर से जोहवा सरकी, दतौली, कनहट, प्यारेपुर, हिड़ैन, हिलालगंज, गुलूपुर, अचमतुल्लागंज, अरिवार, ढूंढरी, सोनिकमऊ, देरौर, दरीबा, रसूलपुर, गुंडा, चंदौली, नकफुलहा, बिनोहरा, फकरूल, हसनखेड़ा, मछेछर, सैदनपुर, सुलखियापुर, खनुआ, बेला भेला, उदरहटी, इकौना, चकल बलिहार और ऊंचार तहसील से हर टीकर, चंदौली, धर्मदासपुर, सराय श्रीबक्स, केवलापुर, बरेठा, मोहनपुर, गोपियापुर, जगतपुर, धोबहा, जिगना, रोजहिया, भीमसा, रोजहिया, गोकुलपुर, इटौरा, बुजुर्ग, सलारपुर, मिर्जापुर, नडोरा माफी, इडौली, चिटना, मरियानी, रघुनाथपुर, लकेदवा, उमरन, भवानी दीन पुर, कमालपुर, लक्ष्मणगंज, बछैयापुर, मरहामऊ, रसूलपुर और सलवन तहसील से मिर्जहानपुर, कमालपुर, डोमापुर और कोदारी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 4 तहसीलों के 60 गांव आ रहे हैं। इन गांव के ग्रामीणों से वार्ता के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इजिस संस्था के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी खबर है रायबरी ज़िले के रहने वालों के लिए, क्योंकि आपको ये सुनकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि रायबरेली के तहसीलों से ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निकलने वाली है, तो इसका काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो खबर है ये आपको जागरण के न्यूज पोर्टल पे दी गई है, ऑफिशियल न्यूज है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है रायबरेली के रहने वालों को लिए, और अगर बगल से हमारे बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो कितना अच्छा रहेगा ग्रामीणों के लिए, शहर में रहने वालों के लिए, सभी पब्लिक के लिए। इस चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, क्योंकि इससे बहुत लोगों को नौकरी और हर चीज़ की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप हमारे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिलती रहे। ऐसे ही आपको हम अपडेट इस चैनल पर देते रहते हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगेगा ये सुनकर कि रायबरेली ज़िले के पास से ही कभी बुलेट ट्रेन गुजरेगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है और टाइम भी लगता है कोई चीज़ों में। अगर कुछ चीज़ बनना है तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन यही अच्छी बात है कि अगर ये ऐसा मुमकिन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बगल से ही दिल्ली से बनारस के लिए जो रूट जाएगा बुलेट ट्रेन का, वो हमारे रायबरेली ज़िले के पास से ही गुजरने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है।
तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।